नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। अब स्कूली छात्र भी पढ़ेंगे वीर अभिनंदन की कहानी, जिसके शौर्य को पूरी दुनिया ने सलाम किया। अब बच्चे बच्चे तक पहुंचाई जाएगी भारत के उस वीर सपूत की कहानी, जिसके खून में ही दौड़ता है देश प्रेम, जिसकी कई पीढ़ियों ने दिया देश को अपना सर्वस्व। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं इसी जानकारी की ओर। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी की कहानी जल्द ही राजस्थान के स्कूली छात्रों की किताबों में भी पढ़ाई जाएगी। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से यह प्रस्ताव आया है कि भारत के इस जाबाज बेटे की कहानी बच्चे बच्चे तक पहुंचानी जानी चाहिए। उन्होंने इसे लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जोधपुर से पढ़े हाल ही में पाकिस्तान की सरजमी से अपने साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए वापस लौटने वाले विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य के सम्मान के रूप में सरकार ने अभिनंदन की शौर्य की कहानी को राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है, लेकिन डोटासरा ने उन कक्षाओं के बारे में नहीं बताया जिसमें अभिनंदन की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में अपनी बहादुरी दिखाने वाले अभिनंदन देश के हीरो बन चुके हैं। अभिनंदन के हीरो बनने के पीछे उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंची। दरअसल अभिनंदन के दादाजी भी भारतीय वायुसेना में थे। अभिनंदन के दादाजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाग लिया था। अभिनंदन के पिता एस वर्धमान भी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रह चुके हैं। अभिनंदन की पत्नी एक्स स्क्वाड्रन लीडर तन्वी मारवा ने भी भारतीय वायुसेना में 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं अभिनंदन के भाई भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसके पूरे परिवार में देश प्रेम की कई गाथाएं भरी हो, उस जाबाज की कहानी बेशक बच्चे बच्चे तक पहुंचनी ही चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।